कर दिया। मुरियप्पन ने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा बताओ, व्हाट इज द बेटापाद का बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बी टू? बी टू का आपने क्या निकाला गुड़िया? एक बेरिलियम का बेटापाद करें क्या होता है एटॉमिक नंबर? एक बेरिलियम का क्या होता है, फोर होता है कि टू होता है? वेरी गुड, फोर। तो दो का क्या होगा, तो 4 4 8 हो गए ना बेटा, इसका मतलब मुझे 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है गोलू। और बी टू क्या मॉलिक्यूल है, तो अपन ने देखा बेटापाद का भरा क्या भरा, जल्दी बोलो। फर्स्ट एस टू सिग्मा, फर्स्ट एस टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फर्स्ट एस टू, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पूरे बात का समझ पा रहे? फिर पाई 2p भरना है क्या? ठीक है, कोई काम है दीदी बात की, चलाते जा रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक कितने भरने थे आपको, 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ। दीदी बात करें, पर दीदी बात क्या पता इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? मैं पहले सीधे बताता हूँ, सीधे बताने का मतलब क्या है दीदी बात कर बताओ, पहले चलो बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग खेल लो। कितना आएगा बताओ बेटा बात का बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर दीदी बात का नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, टू और टू, जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा अभी, टू और टू कितने आ रहे हैं, फोर। बुरे बात करें, एंटी बॉन्डिंग कितना, स्टार वाले, स्टार वाले दो, स्टार वाले दो, मतलब सॉरी बुरे कितने हो गए, चार। 4 बाई 4 बाई 2 कितना आगे बेटा बात करें, 4 माइनस 4 जीरो, 0 बाय 2 मतलब कितना आगे बेटा, जीरो। लेकिन दीदी क्यों निकाल रहे हो, ऐसे देख लो ना, बॉन्डिंग फर्स्ट एस टू कैंसिल कर देगा एंटी बॉन्डिंग को, और बुरे बात करें बता सिग्मा एस टू कैंसिल करेगा किसको, एंटी बॉन्डिंग को। तो दी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को कैंसिल कर दिया, तो बेटा बात करें तुम तो एक भी बचा ही नहीं है जो कैंसिल ना हुआ हो, जब इलेक्ट्रॉन है नहीं दीदी बात का, तो बॉन्ड कहां से बनेगा? इतना समझ में आ रहा है, जब बॉन्ड है ही नहीं बेटा बात करे, इसका मतलब क्या बी टू एग्जिस्ट करेगा? बी टू की दीदी एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम बेरिलियम के बीच में दीदी की बात करें, कम से कम एक बॉन्ड या आधा बॉन्ड तो होना चाहिए था। अगर मैं ये कह रहा कि बॉन्ड ऑर्डर बेटा बात कर, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन बच जाता दीदी कैंसिल से, तो मैं ये बोल देते कि चलो एक बॉन्ड से, एक इलेक्ट्रॉन से आधा बॉन्ड तो बनेगा, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन बच जाता तो आधा बॉन्ड तो बनता कम से कम, पर दीदी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। बस समझ पा रहे हो, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बॉन्डिंग एंटी को कैंसिल कर दिया, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर जीरो आया, मतलब बेरिलियम बेरिलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। जब बॉन्ड नहीं है तो काय के द्वारा जोड़े, इनका मतलब इनका एग्जिस्ट ही नहीं है। बेरिलियम बेरिलियम को आपको जोड़ना है, कम से कम कुछ बॉन्ड तो चाहिए, एक बॉन्ड तो चाहिए, अरे आधा बॉन्ड तो चाहिए, आधे का आधा तो चाहिए। पर दीदी बात कर इलेक्ट्रॉन ही बेटा बात करें, हमारे पास ऐसा नहीं बचा कोई जो कैंसिल ना हुआ हो, मतलब बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं, और जब बॉन्ड ऑर्डर नहीं है तो वो मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब पूरे बात करें क्या है, ये नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। पूरे बात कर समझ पा रहे, बहुत बढ़िया। अच्छा दीदी बताओ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक काय का पैरामैग्नेटिक, जब मॉलिक्यूल ही नहीं है तो काय का पैरामैग्नेटिक, वो चीज अस्तित्व में है ही नहीं। कह रहे वो चीज नहीं है, पर बताओ अगर होती तो दीदी कितनी प्यारी होती। अरे है ही नहीं तो कैसे कितनी प्यारी होती, जो चीज है नहीं उसके बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं? तो ये गुड़े बात करें कंपाउंड हमारे पास चला जाएगा। अच्छा अब मुझे निकालना बेटा बात करें, एंड टू तक अपन निकल पहुंच गए थे याद है, लेकिन अगर बेटा बात कर मुझे कोई ऐसी स्पीसीज चाहिए गुड़े बात में जिसके अंदर क्या है 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे ओ टू। ओ टू बेटा आपने अगर उठाया, ओ टू, ओ टू क्या है, जो बुढ़िया ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बीच में बना है, पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बूढ़े बात कर बॉन्ड है वो मुझे बताओ, वो अपन देखते हैं पहले। जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो दीदी बात कर बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर होता ही क्या है, दो एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड का नंबर। पर ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, एक ऑक्सीजन के 8 है, दूसरे ऑक्सीजन के भी 8 है, टोटल कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन को भर दो दीदी बात कर, भरते हैं भारत दीदी बात कर, तो क्या है पता चला बेटा बात करें, सिग्मा फर्स्ट एस टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फर्स्ट एस टू, बुरे बात करें समझ पा रहे हो, सिग्मा बुरे बात करें क्या 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, बुरे बात कर सॉरी सिग्मा बेटा बात करें एंटी बॉन्डिंग 2s2, बुरे बात करें इधर की टू पर भरे थे है ना, बुरे बात कर फिर कहाँ जाए बताओ, अपन इसके अकॉर्डिंग भरे बेटे कि नीचे वाले के अकॉर्डिंग, नीचे वाले के अकॉर्डिंग, अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हम बुरे इसके अकॉर्डिंग भरेंगे। तो सिग्मा फर्स्ट एस टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फर्स्ट सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरती गुड़िया, दो, तो कितना भरेंगे बेटा दो, समझ पा रहे। अब जब यहां भर गए तो क्या आपके क्या 16 इलेक्ट्रॉन भर गए, नहीं, दो दो चार दो छह दो आठ दो दस हुए अभी, तो गुड़िया अपन फिर अब कहां जाएंगे, पाए 2px, और बेटा बात करें पाए 2py, क्योंकि इनकी एनर्जी बराबर होती है, तो पहले अपन क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अगर ये दीदी बात करें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 2 4 6 8 10 हो गए थे, तो ये 11वां इलेक्ट्रॉन, ये 12वां, ये 13th इलेक्ट्रॉन मतलब 13वां इलेक्ट्रॉन, और ये 14वां इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिट में देखो दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा कि नहीं आ गए, लेकिन यहां दीदी एक एक इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं क्योंकि एनर्जी बराबर है। अभी कितने हो गए, 12 2 14, अब कहां जाएंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पर इतनी एनर्जी किसकी है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, अभी 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, क्या दोनों भर दूं, नहीं, एनर्जी बराबर है, पहले एक भरो एक एक,
और दीदी बात के जैसे ही इलेक्ट्रॉन भरा, बूढ़े बात कर बता ये क्या हो गया, फुल हो गए। इसका पेयरिंग कर दूं क्या, पेयरिंग कर दे इसकी, पेयरिंग करना तुम्हारे हाथ में है क्या, इलेक्ट्रॉन हो तो पेयरिंग करो, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो थोड़ी ना पेयरिंग कर सकते हैं। किसी दिन नहीं, मैं तो करके रहूंगी, बूढ़े बात कर रहे हैं। 16 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 बूढ़े बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। पर अपन क्या कर रहे हैं, वो बॉन्ड उसके अकॉर्डिंग खेलें क्या, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग के डायरेक्ट डायरेक्ट खेलें, ठीक है। बताओ इसको कैंसिल कौन करेगा, सिग्मा फर्स्ट से इसको कैंसिल कर देगा, दो दो इलेक्ट्रॉन गायब बचे ही नहीं। सिग्मा टू एस के दो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कौन करेगा, समझ पा रही हो, बुरे बात कर रहे हैं। अभी सिग्मा टू पी जेड को कैंसिल कौन करेगा, कर दे इससे, क्यों, क्योंकि दीदी सिग्मा टू पी जेड को कैंसिल कर सकता है एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग सिग्मा टू पी जेड को सिग्मा टू पी जेड के इलेक्ट्रॉन ही कैंसिल करते, पर वो एंटी बॉन्डिंग उसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन बच गए, बुरे बात कर। अब पाई टू पी एक्स का एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से, और पाई टू पी बाय का एक इलेक्ट्रॉन से, पर एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बचे इनके अंदर। अरे बात समझ पा रही ना, समझ पा रही हो, नहीं समझ पा रही हूं, जरा बताओ मैडम, बुरे बात करें। अगर मैं आपसे पूछूं बेटे बात के कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास बचे अभी जो कैंसिल नहीं हुए, चार, चार में से दो कहां पर हैं, दो कहां पर हैं, सिग्मा में, और दो दीदी ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड। अगर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, वो क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये दीदी बात का सिग्मा ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन ने बनाया है, इसलिए बोला इसको दीदी बात का सिग्मा बॉन्ड। अभी पूरे दो इलेक्ट्रॉन बचे थे, कौन सा एक, पूरे बात कर पता है, ये किस पाई का, ये तो इस पाई का, ये तो पूरे बात का पता है, पाई के दो इलेक्ट्रॉन, तो पाई के दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो पूरे बात का डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन के बीच में होता है। अच्छा ऑक्सीजन में दीदी बात करें, ओ टू के अंदर जो दो ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा जुड़े, सिंगल बॉन्ड के द्वारा कि डबल बॉन्ड के द्वारा, उसमें दोनों सिंगल है कि दोनों डबल है। अरे दो बॉन्ड उसमें, एक सिंगल एक डबल है, बेकूफ, एक ही डबल है उसमें दीदी बात करें, एक सिग्मा है एक पाए है, दोनों सिग्मा है कि दोनों पाए, मैं नहीं खेलूंगा। सी टू के अंदर दोनों सब पाए थे, यहां पर आप कह रहे हैं एक सिग्मा एक पाए है, खेलो मत खेलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वो है। इलेक्ट्रॉन सिग्मा के बचे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए ऑर्बिटल के बचे तो पाए बॉन्ड बनाएंगे। ओ टू के अंदर बेटा बात करिए कैसा है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जहां बुढ़े बात कर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेटा बात कर किससे जुड़ा होता है, दो बेटा बात कर किससे, बॉन्ड से जुड़ा होता है, दोनों बॉन्ड में एक सिग्मा है एक पाए है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आप बोलो कि नहीं नहीं अब मुझे क्या उसके अकॉर्डिंग खेलना है, किसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कर लो, कर लो। बॉन्डिंग मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो चार इलेक्ट्रॉन, दो छह इलेक्ट्रॉन, दो आठ इलेक्ट्रॉन, दो दस इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। बॉन्डिंग किसको बोला आपने, जिसके ऊपर स्टार नहीं है, इसके ऊपर स्टार है क्या गुड़िया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, इसके दो, इसके भी कितने, दो। अच्छा ये शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, बिल्कुल बोल पा रही हूं ना, ये टू इलेक्ट्रॉन, ये टू इलेक्ट्रॉन, टू टू फोर टू सिक्स, ये कितने बेटा बात करें, टू एट, और ये टू टेन, ये बात समझ में आ रहा है जसविस। अब बताओ एंटी बॉन्डिंग किसको काउंट करोगे बेटा, एंटी बॉन्डिंग कहां दिख रहा है, देख रहा है ये बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग, ये दो हो गए और ये चार हो गए और ये नहीं है, अच्छा ठीक है, तो फिर ये है क्या, पांच और छह, बॉन्डिंग कितने थे, टेन, एंटी बॉन्डिंग कितने है गुड़िया, सिक्स, कितना करेंगे, टेन माइनस सिक्स बाय टू, टेन माइनस सिक्स करो फोर, फोर बाय टू मतलब टू, टू आ गया ना, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, टू, देखे सीधा दीदी बात करें। तो अगर आपको ऐसे भी चाहिए तो भी अपन निकाल सकते, गुड़िया बात करें बॉन्ड ऑर्डर इसको टू, गुड़िया बात करें बॉन्डिंग 10 माइनस सेंटी बॉन्डिंग 6 अपॉन 2 बराबर 4 बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, बुरे बात करें 2 आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। पैरामैग्नेटिक है बेटू की डायमैग्नेटिक है, तो डर लगा कि गलत तो नहीं बोल दिया, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्यों, क्यों कहा आपने पैरामैग्नेटिक बेटा, कहां पाए, कहां बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, दीदी एंटी बॉन्डिंग में है यार मैडम, एक एक इलेक्ट्रॉन, मैं कहां जाऊं क्या करूं तुम्हारा, ये तो बेवकूफ हो, तुम्हें बाद में काट के दिखाई कि बॉन्डिंग एड से निकालते हैं, अरे इलेक्ट्रॉन कहां पर है, मैं कह रहा हूं कहां पर है, बॉन्डिंग में। अरे दी तुम्हें स्टार नहीं लिख रहा है क्या, ये तुम लड्डू लिखा है क्या मैंने, ये स्टार है बेटा एंटी बॉन्डिंग, और राजा महाराजा की तरह एकदम बैठे हैं सुकून से, समझ पा रहे हो, कहां का है, चलने दो तुम तो बॉन्डिंग का, चलने दो एंटी बॉन्डिंग में, दो दो, ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, नीट का क्वेश्चन है बेटा, बात करें ओ टू ऐसा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ओ टू ऐसा डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेटा बात करें टू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहां पे दीदी बात करें, इन बेटा बात करें पाए एंटी बॉन्डिंग, बेटा बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
कौन से बेटा बात क्या पाई टू पी एक्स एंटी बोनी पाई टू पी वाई के अंदर दो अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मत करो प्लीज, बिल्कुल भी दीदी बात करें सही नहीं है ये। कैसा बेटा बात करें, ओ टू इज अ पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक पूरे बात करें, ये तो सोचना पड़ेगा बेटा। केवल हम यहाँ दीदी बॉन्ड ऑर्डर निकालने नहीं आए, हम पूरी दीदी ओ टू की कुंडली निकालने को आए। तो ओ टू क्या है बेटा बात करें, कौन है जो भी हंस रहा है पूरे बात करें, हमारे पास क्या है बताओ बेटा बात करें, पैरामैग्नेटिक। क्यों बेटा बात करें, ड्यू टू बेटा बात करें, समझ पा रहे, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बेटा बात करें पाई एंटी बॉन्डिंग, कहां बेटा बात करें एंटी बॉन्डिंग, जल्दी बोलो बेटा बात करें ऑर्बिटल्स, जिसमें दीदी बात करें कौन कौन सा था, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स और दूसरा क्या था पाई, जल्दी बोलो बेटा बात करें एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई, मुझे सब पता होना चाहिए, सब पता मुझे है भी पूरे बात का, सिग्मा है पाए है। अब जो बेटा बात कर मैंने कहा दीदी पैरामैग्नेटिक है तो पूरे बात के समझ पा रहे हमारे पास, समझ पा रहे हो बोल सकते हो, तो चलो पूरे बात का अपन स्टार्ट करते हैं। आगे अगर बोलना चाहे बेटा बात करें, मैं नहीं खेलूंगा इसके साथ, ये इसका मेरा मतलब मेरा उससे कुछ पिछले जने का रिलेशन है, अब सोचिए मुझे छोड़ नहीं रही है, मतलब इसको मुझसे कितना प्यार होगा, बंद कर बिकू इसको, निकाल के दिखाओ किसका, निकाल के दिखाओ एफ टू का, निकालो जरा फटाफट बेटा बात करें, बंद कर दिया एफ टू का मैं छोड़, F2 का मतलब दीदी बात करें क्या है, मुझे ये देखना था कि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में दीदी कितने बॉन्ड है, एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा बेटा, अरे ये तब डिसाइड करेंगे दीदी बात करें जब इसके बीच में कम से कम एक बॉन्ड भी आ जाए, तो वो आपने निकाला तो इसका मतलब आपको लग रहा है कर रहा है, कितना बॉन्ड है इनके बीच में वन, बहुत बढ़िया। अरे ये मैं देख लेता हूँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा वन, फ्लोरीन के नाइन, सेकंड फ्लोरीन के भी नाइन, टोटल कितने बेटा 18, अगर 18 इलेक्ट्रॉन को भरना दीदी ऐसे तो भरना है O2 की तरह, आपने वो भरा होगा सिग्मा फर्स्ट टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फर्स्ट टू सिग्मा टू एस टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू एस टू सिग्मा टू पी जेड टू बुढ़े बात का समझ पाई टू पी एक्स टू पाई टू पी वाई टू, यही भरा कि नहीं भरा, 18 इलेक्ट्रॉन भरना बेटा, दो चार छः आठ दस बारह चौदह बुढ़े बात करें 15 16, अब बुढ़े आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन और भरने, तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ, यही तो आएगा, एक और आ जाएगा और एक और आ जाएगा, अब बताओ बुढ़े बात करें पाई टू पी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टू, पाई टू पी वाई में कितने हो गए टू, टू से बुरे बात करिए टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं, फर्स्ट से देखो सिग्मा एस ने एंटीबॉडी को कैंसिल किया, सिग्मा टू एस ने एंटीबॉडी को कैंसिल किया, बचा केवल क्या बेटा बात करें सिग्मा टू पी जेड के दो इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल तो नहीं हुए ना, दो इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब बुरे बात करें क्या आ गया दो इलेक्ट्रॉन का मतलब है बेटा एक बॉन्ड, कितना बॉन्ड एक बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है, अच्छा ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बेटा की पाए है, सिग्मा है क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे वो सिग्मा ऑर्बिटल के थे, तो पूरे बात करें जो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में दो ऑर्बिटल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, पूरे बात करें दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बॉन्ड बनता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहां के थे सिग्मा बॉन्ड के थे, इस बॉन्ड को बेटा बन क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो कहां के थे सिग्मा ऑर्बिटल के थे, सिग्मा ऑर्बिटल के थे, इसलिए पूरे बात करें इन इलेक्ट्रॉन से बने हुए बॉन्ड को अपन बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, हो गया पूरे बात करें नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है क्योंकि इनके बीच में कम से कम एक बॉन्ड तो आ ही गया, ठीक है। अच्छा दीदी अब मैं पूछूं पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, क्यों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या इसके अंदर आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दीदी पेयर्ड 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 दोनों दो पेयर्ड है, दो है पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो कैसा है डायमैग्नेटिक, कलरलेस कलरफुल, बात समझ में आ रहा मैडम की नहीं आ रहा, समझ ना पा रही हैं आप, ये दीदी बात करें कंडीशन आ गया हमारे पास, तो आगे बेटा बात करें इसका बॉन्ड ऑर्डर, फिर भी आपको चाहिए कि जब बॉन्डिंग एंटीबॉन्ड्स निकालना चाहते तो वो भी कर लो, बॉन्डिंग का कितना इलेक्ट्रॉन बोलू दो चार छः आठ दस, एंटीबॉन्डिंग की निकालो बेटा टू फोर टू सिक्स और टू एट, टेन माइनस एट करो बाय टू, कितना टू बाय टू मतलब वन, पूरे बात का तब भी आ रहा है बेटा, कैसा है पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक, डाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है ना डायमैग्नेटिक, क्यों क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है जीरो है, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पूरे बात का साथ में कैसा है ये बेटा कलरलेस, चलो पूरे बात कर, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अच्छा बुढ़े बात का अब मुझे चाहिए एनी टू, किसका चाहिए मैडम एनी टू मतलब नियोन का, पेन नहीं चलेगा आप डायरेक्ट बताओ जिसका आंसर आ गया हो, बुढ़े बात का जीरो, बहुत बढ़िया, पहले से निकल के बैठ गई थी क्या, बिल्कुल बिल्कुल, देखो कितने मतलब ये दिमाग होना चाहिए दीदी बात करें, उसने बुढ़े बात कर क्या बोला नियोन मतलब 20 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा बात कर दस में एक में दस दूसरे में 20, अब 20 भरने के लिए तुम कहां तक जाओगे, यहां तक तुम बुढ़े बात कर भरते भरते जब चलेगा बेटा, यहां देखो कहां से भरा अपन, यहां से भरते भरते यहां तक दिए अपने 18 भर चुके, अब दो इलेक्ट्रॉन भरने थे तो दो इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे, इसमें भरोगे 18 इलेक्ट्रॉन यहां तक भर चुके थे ना अपने, अपन ने जब बेटा फ्लोरीन का भरा तो कहां तक, यहां तक भर गए 18 इलेक्ट्रॉन, अब दो इलेक्ट्रॉन कहां भरने थे इसके आगे, कहां क्या बचा है इसके आगे, ही बचा है तो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे,
अब बेटू ये दो इलेक्ट्रॉन दे दी बात, इन दो इलेक्ट्रॉन को और कैंसिल कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको कैंसिल करेंगे, ये इसको कैंसिल करेंगे, ये बेटा बात क्या इसको कैंसिल कर देंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको कैंसिल करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको कैंसिल करेंगे, नेट कितना है जीरो है। इसका मतलब अगर जीरो बॉन्ड ऑर्डर है तो एनी टू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी टू एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा गुड़िया? क्योंकि उनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? जीरो। हमेशा याद रखो बेटा बात करें वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता है जिनमें गुड़िया बात का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, जीरो आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाए। अगर कभी किसी का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है या बॉन्ड ऑर्डर क्या रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब गलत करें वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो गुड़िया बात करें हमारे पास कंडीशन क्या आगे बेटा बात करें, यहाँ पे एन ई टू जो है गुड़िया बात करें वो नॉट एग्जिस्ट। क्यों गुड़िया बात करें? बिकॉज बिल्कुल बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये गुड़िया बात करें कंडीशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा? तो दीदी बात करें कर लोगे? अब कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, है ना, क्वेश्चन करना है तो करो बेटा बात करें। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, क्वेश्चन लिखो गुड़िया बात करें, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड बेटा बात करें इन अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन बेटा बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेटा बात करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बिल्कुल बॉन्ड ऑर्डर, यह बेटा बात करें इन दे आर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, रन दो चलो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन बेटा बात करें दे आर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। अब क्वेश्चन गुड़े बात करें कौन कौन सा है, निम्नलिखित योगों को गुड़े बात करो उनके बढ़ते हुए बंद क्रम के आधार पर अरेंज करो, मतलब व्यवस्थित करो। पहला गुड़े बात करो ऑप्शन दे रखा है आपको क्या, गुड़े बात करें O2 गुड़िया O2, दूसरा दे रखा है बेटा बात करें O2 प्लस और तीसरा दे रखा है O2 माइनस, करो बेटा बात करें। और चौथा दे रखा है क्या O2 दीदी बात करें माइनस टू, चार दे रखिए इनको अरेंज करो जरा O2 O2 प्लस वन O2 माइनस वन O2 माइनस टू। अच्छा एक चीज़ पता होना चाहिए आपको, प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में निकाल चुका हूँ, और माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन में ले चुका हूँ। तो पहले O2 के इलेक्ट्रॉन देख लो, प्लस लगा तो एक इलेक्ट्रॉन को कम करके दीदी जितने इलेक्ट्रॉन बचे उनका निकालो। माइनस का मतलब क्या है, पहले O2 के इलेक्ट्रॉन निकालो जितने हैं, कितने हैं वो पता है ना आपको, O2 पे माइनस वन है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और उसमें जोड़ दो, अगर माइनस टू है तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन जोड़ के निकालो सबका, बात समझ पा रहे हो, निकालो जल्दी फटाफट फटाफट। कितना आ रहा बेटा बात करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेटा बात करें क्या देयर बॉन्ड ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। इंक्रीजिंग मतलब क्या है, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा गुड़िया बात करें। तो पहले बेटा आप O2 का जरा देखना गुड़िया, O2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने जरा बताना बेटा बात कर मुझे, O2 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, नंबर ऑफ गुड़िया बात करके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 16, जरा O2 प्लस वन में निकालना था, O2 प्लस वन में कितने हैं 15, 16 दीदी थे एक प्लस लगा है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है मुझसे, प्लस का मतलब बेटा लेना नहीं होता है, प्लस का मतलब होता है मेरे पर प्लस तब आएगा जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। ऊपर देखो गुड़िया बात बाद में सुधारना, पहले यहाँ देखो गुड़िया बात कर, O2 प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पहले O2 के पास 16 थे, एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका 15 बचे, गुड़िया बात करें O2 माइनस वन मतलब पहले O2 का देखो आप 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 में, एक ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8, दूसरे के भी 8 16, पर एक माइनस लगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ले चुका है वो, 16 तो पहले से ही थे एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो कितने हो गए 17। इसके दीदी बात करें कहानी कैसी थी, 16 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे पर एक निकल चुका है, प्लस का मतलब एक निकल चुका है तो कितने बचे 15, यहाँ 15 यहाँ पे 17। O2 माइनस 2 का मतलब क्या बेटा बात करें, 16 पहले थे दो और ले चुका, दो ले चुका कि दे चुका, माइनस 2 लगा है मतलब मैं दो ले चुका हूँ, ले चुका मतलब जोड़ूंगा, बात समझ में आ रहा है, टेंशन हो रही क्या तुम्हें है? क्या हो रहा है, स्टॉप बंद करो उसको दीदी बात करें मतलब ये